माइक्रो फाइनेंस कंपनी में कार्यरत कर्मी के साथ लूट हुई, जिसका उद्भेदन समस्तीपुर पुलिस ने किया। बिहार के समस्तीपुर जिले के दलसिंहसराय थाना क्षेत्र के अंतर्गत अजनौल गांव के 29 नंबर गुमती के पास माइक्रो फाइनेंस कर्मी मनीष कुमार के साथ लूटकांड का समस्तीपुर पुलिस ने उद्भेदन किया है। लूटे की मोटरसाइकिल, अलग अलग पार्ट पुर्जा था, मोबाइल के साथ चार अपराधी को गिरफ्तार किया गया है। उक्त अपराधी की पहचान समस्तीपुर जिले के दलसिंहसराय थाना क्षेत्र के केटा ग्राम के फुचो दास के पुत्र मनीष कुमार, अजय प्रसाद के पुत्र अंकित राज, चक्कनवादा ग्राम के दिशो सहनी के पुत्र गुलशन कुमार एवं उजियारपुर थाना क्षेत्र के महसारी ग्राम के उपेंद्र राय के पुत्र अरविंद कुमार के रूप में की गई है। उस मामले की पुष्टि समस्तीपुर के एसपी विनय तिवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दरमियान किया है। चार फरवरी को दलसिंहसराय थाना क्षेत्र में, आप लोगों को ज्ञात है जैसे कि दलसिंहसराय थाना क्षेत्र में एक माइक्रो फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी थे मनीष कुमार, उनके साथ लूट हुआ था। लूट की घटना घटित हुई थी। घटना के बाद हम लोग इस घटना में एसआईटी का गठन किया गया था और एसआईटी कार्य कर रही थी। डीआईयू की टीम और एसएचओ दलसिंहसराय, एसडीपीओ दलसिंहसराय के नेतृत्व में टीम कार्य कर रही थी। तो अब इसका उद्भेदन हो गया है इस घटना में। इस घटना में भी दो अभियुक्तों की, चार अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है, दो की और बाकी रह गई है। इस घटना में इन लोगों ने मोटरसाइकिल और मोबाइल को लूट लिया था, जो मोबाइल भी बरामद हो गया है और उस मोटरसाइकिल को जिसको लूटा था इसको दूसरे अभियुक्त के पास ले जा करके और उसके जो शेड था उस शेड पर ले जाके इन लोगों ने मोटरसाइकिल को अलग अलग पुर्जों में बांट दिया था और उसका डिस्ट्रीब्यूशन कर लिया था। तो मोटरसाइकिल के जो अहम पुर्जे थे वो बरामद हो गए हैं, जिसके यहाँ से किया गया था उस आदमी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। तो कुल चार अपराधी गिरफ्तार हैं, एक लूटा हुआ मोबाइल बरामद है और जो मोटरसाइकिल लूटी गई थी उसको अलग अलग भाग में जो तोड़ दिया गया था वो पुर्जे बरामद हो गए हैं। माइक्रो फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी मनीष कुमार के साथ अजनौल गांव में दलसिंहसराय थाना क्षेत्र में घटना घटित हुई थी, 4 फरवरी की थी।